सो व्हाट्स अप गाइस, तो गाइस मेरे पास एक कमेंट आया था कि GTA 4 के अंदर एक एरर आ रहा है, सिक्योर रोम लॉन्चर फेल टू लोड 2000 का। तो गाइस बेसिकली ये एरर बहुत ही ज्यादा कॉमन है, अगर आप लोग अपनी विंडोज को चेंज करते हो या अगर आपकी विंडोज के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट मिसिंग हो जाता है, कोई भी प्रोग्राम डिलीट हो जाते हैं, तो ये GTA 4 का एरर आपके सामने आने लग जाता है सिक्योर रोम लॉन्चर का। इसका मतलब ये कि आपकी जो GTA 4 का लॉन्चर है, जो आपकी GTA 4 को लॉन्च करता है उसका नाम है सिक्योर रोम लॉन्चर, उसके लिए जो आपके रिक्वायर्ड प्रोग्राम होते हैं वो कुछ डिलीट हो चुके हैं या मिसिंग है पीसी में। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इस एरर को फिक्स कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, तो आप लोगों ने आज की वीडियो को पूरा देखना है, भले आप लोग मोडिंग वीडियोस को स्किप करके देखते हो बट इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी से पूरा देखना है अगर आप लोग अपनी GTA 4 के इस इशू को फिक्स करना चाहते हो। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। तो गाइस बढ़ते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहां पर दो लिंकें दिखाई देंगी। यहाँ पर एक जो लिंक होगी विजुअल सी प्लस प्लस की लिंक होगी, जिसके अंदर आपको सारे जो है इसके पैकेजेस मिल जाएंगे, और दूसरी जो लिंक होगी वो आपके डायरेक्ट एक्स एंड यूजर रन टाइम की होगी। इससे क्या होगा, आपके गेम के अंदर जितने भी DLLs मिसिंग होंगे वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोनों सॉफ्टवेयर को ऐसे डाउनलोड कर लेना है। इसका डाउनलोड बटन ये यहाँ पर है और आप लोगों ने इसको ऐसे डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप लोग दोनों चीजों को डाउनलोड करोगे तो आपके जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं, जो दोनों एप्स हैं, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे दोनों रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विजुअल सी प्लस प्लस वाले को यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आप लोगों ने सारी वीडियो को, पूरी वीडियो को फुल देखना है, सारे स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करना है, अदरवाइज आपकी गेम के अंदर सिक्योर रोम लॉन्चर का एरर स्टिल आता रहेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो विजुअल सी प्लस प्लस है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस फोल्डर को ओपन करना है और इस फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारे जो यहाँ पर आपको विजुअल सी प्लस प्लस देखने को मिलेंगे एयर वाइज 2005, 8, 10 इस टाइप से। तो आप लोगों ने इन सबको जो है अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है। तो जस्ट आप लोगों ने अपने इंस्टॉल ऑल के ऊपर राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने एक CMD रन हो जाएगा और इसके हेल्प से आप लोग कोई भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। खुद ब खुद आपके जो इंस्टॉलेशन है वो होती रहेगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग इससे ना भी करना चाहो तो आप लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर दो और यहाँ से आप लोग खुद भी यहाँ से लाइन वाइज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये हमारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रहा है। ये हमारा 64-bit का, इसको भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे x86 वाले को, क्योंकि आप लोगों ने सारे इंस्टॉल करने, अदरवाइज आपकी GTA 4 स्टिल क्रैश करती रहेगी। तो मैं लाइन वाइज यहाँ पर सारे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पीसी में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से यहाँ पर मुझे रिपेयर और अनइंस्टॉल का बताया, तो मैं इसको ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। और उसके अलावा भी मेरे पीसी के अंदर टोटल सारे जो जितने भी इसके रिक्वायरमेंट्स है वो टोटली सारे इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भी मुझे रिपेयर का कह रहा है क्योंकि मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर मैं इसको भी रन कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पीसी में सारे इंस्टॉल्ड है, ये भी रिपेयर का कह रहा है। इसके अलावा 2013 है, आपका यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा तो आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो है इंस्टॉल्ड हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसके अलावा इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये भी मुझे रिपेयर का कह रहा है इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर जो है हमारे सारे के सारे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्टॉल्ड है। तो जैसे आप लोग इन सब विजुअल सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों ने इस फोल्डर को क्लोज करना है एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्ट एक्स वेब सेटअप को ओपन कर लेना है, जो हमने डायरेक्ट एक्स एंड टाइम एंड यूजर टाइम को डाउनलोड किया था। तो इसको आप लोगों ने यहाँ पर रन कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जो डायरेक्ट एक्स एंड यूजर टाइम है यहाँ पर ऑन हो चुका है। आप लोगों ने आई एक्सेट पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। इंस्टॉल द बिंग बार पर टिक हटा देना है, यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है और आपका जो डायरेक्ट एक्स है वो खुद ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, जो भी आपके पीसी के अंदर DLL फाइल्स मिसिंग होंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है डायरेक्ट एक्स की। तो गाइस आपका जो डायरेक्ट एक्स है वो जैसे इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट का। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस पर फिनिश कर देना है एंड देन आप लोगों ने अपनी गेम को स्टार्ट कर लेना है। और अदरवाइज आपकी गेम फिर भी स्टार्ट नहीं होती, आपके पास फिर भी सिक्योर रोम लॉन्चर 2000 का एरर आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंट्रोल पैनल में आ जाना है। मैं कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ और कंट्रोल पैनल में आने के बाद आप लोगों ने प्रोग्राम्स के अंदर आ जाना है। प्रोग्राम्स में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आपको एक साइड में ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो .NET फ्रेमवर्क 3.5 है आपके पास इसके ऊपर से टिक हटा होगा तो आप लोगों ने क्या करना है,
इस पर इस तरीके से टिक लगा देना है, बॉक्स लगाना है, एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जो एरर है वो 100% फिक्स हो जाएगा, आपकी जो GTA 4 है वो सक्सेसफुली ऑन हो जाएगी बिना किसी इशू के। तो गाइस ये चीज आज की छोटी सी वीडियो जो हमारी GTA 4 के सोल्यूशन वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद होगी। पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। और गाइस अगर आपकी किसी भी GTA के अंदर कोई भी इशू आता है, कोई भी एरर आता है, या कि गेम किसी भी वजह से क्रैश करते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं कोशिश करूंगा आपकी GTA के प्रॉब्लम को फिक्स करने की। बाकी गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।